हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा ट्रिकी जीएस के माध्यम से। और आज हम बात करने वाले हैं एक गांव के लड़के के कहानी को, जिसने कि एक संघर्ष की मिसाल पेश करते हुए अपने समाज में अपने आने वाली पीढ़ी के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत छोड़ा है और सफलता को इन्होंने प्राप्त नहीं किया, इन्होंने सफलता को छीना है। आज ऐसे ही हमारे साथ मेरे मित्र बैठे हुए हैं, सुनील कुमार उर्फ बम बम जी। इनसे हम जानेंगे कि बिहार दारोगा, जो कि एक खासा प्रतिष्ठित पद होता है बिहार सरकारी सेवा में और प्रशासन को चलाने में एक दारोगा की अहम भूमिका होती है और लोगों का सपना होता है डबल स्टार का, दारोगा जैसे कई लोग युवा आजकल खास करके ख्वाब पाले होते हैं, तो इस ख्वाब को हकीकत में इन्होंने कैसे बदला, इस कहानी को हम लोग जानते हैं। तो बम्बम जी बताइए कि आपने, हालांकि मैंने आपके संघर्ष को देखा है, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन हमारे दोस्तों को, साथियों को, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस प्रकार से दारोगा के पद में, पद को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया है, आपकी क्या रणनीति रही है? रणनीति, हम इससे पहले रेलवे में कार्यरत थे। 2018 में हम फॉर्म भरे, उसके बाद 2019 में, जुलाई 2019 में हम रेलवे ग्रुप बी में ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद वो पद पे हम 2 साल कार्यरत है। उसी बीच 2019 में ही बिहार सरकार में दरोगा के पद के लिए बहाली आई, वैकेंसी आई, उसके बाद हम उस फॉर्म को भरे। और मेरा दिलासा था, इच्छा था मेरा कि हम प्रशासनिक पद पे जाएं, एक ऐसे दरोगा के लिए मेरा अंदर एक अभिलाषा था कि हम दरोगा जैसे पद को प्राप्त करें, उसी के लिए हम फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद लगातार जॉब करते हुए हमने तैयारी जारी रखा और तैयारी जारी करते हुए हम एग्जाम पीटी दिए। पीटी देने के बाद मेरा रिजल्ट हुआ। अब रिजल्ट होने के बाद जब पीटी हो गया, उसके बाद हम मेंस की तैयारी के लिए अपना जितना भी मेहनत होता था जारी रखे, और जो भी ड्यूटी करने के बाद जो भी टाइम बचता था उसको हम अपने ये पद को पाने का जो होता है उसके लिए पढ़ाई जारी रखा अपने खाली समय में, और आज जो भी परिणाम है आप लोग के सामने। यानी कि आपने ड्यूटी करते हुए, रेलवे में ड्यूटी करते हुए मेंस की तैयारी की और पीटी की भी तैयारी आपने ड्यूटी के दौरान ही किया, जैसा कि आपने बताया 2018 में ही इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती में इनका सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद ये लगातार होता है कि आदमी छोटी सी भी सफलता पा करके खुश हो जाता है, तो छोटी छोटी सफलताओं से खुश नहीं होना है बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा, हमेशा आगे बढ़ते रहने का गुण ये बता रहे हैं। और कैसे ड्यूटी करते हुए इन्होंने तैयारी की, और इसके अलावा आप सोच रहे होंगे इनका तो परिचय मैंने दिया, हमारे बगल में इधर कौन बैठे हुए हैं, तो ये हैं हमारे छोटे भाई समान, इनका नाम भी सुनील कुमार ही है। और इन्होंने बिहार दारोगा में असफलता को देखा है, और असफलता किस स्टेज पर, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इनका शरीर थोड़ा भारी भरकम हो जाता है। हालांकि मैंने जो देखा कि 90 केजी के आसपास के वजन को इन्होंने तकरीबन 2 महीने में 18 केजी वजन घटाते हुए, जो कि एक काफी मेहनत का कार्य हो जाता है, इन्होंने घटाया। और घटाने के बाद टाइगर जंप इन्होंने 4 फीट 4.5 फीट का बना भी लिया था, लेकिन बिहार सरकार और बीपीएसएससी के अंतिम समय में किए गए निर्णय से आप सभी आश्वस्त होंगे, उस निर्णय का शिकार होते हुए इन्होंने दौड़ भी निकाला लेकिन हाई जंप में ये छट गए। लेकिन छटने के बाद क्या ये हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तैयारी को छोड़ दिया है, कि क्या है इनके मन में, क्या चल रहा है, हम जानना चाहेंगे क्या चल रहा है आपके मन में अभी? ओवरवेट के कारण हम तो छट गए, लेकिन ये मेरे अंदर जिज्ञासा है कि अब की जो 22-13 दरोगा की बहाली है उसमें एक सीट मेरा फिक्स है, जैसे भी हो हम छीन के ले या तो कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। और फिजिकल के दौरान आपने कैसे वजन घटा लिया, मतलब 1.5 महीने 2 महीने में 18 केजी का वजन, ये कहाँ से आया, ये एनर्जी ऊर्जा का स्रोत कहाँ से मिलता था? मेरा एक ही लक्ष्य था, मुझे दरोगा बनना है, मैं दरोगा बन भी जाता लेकिन सरकार की गलत निर्णय के वजह से, वो भी अंतिम क्षण, अगर पहले बताया गया होता तो मैं उस चीज का भी तैयारी आराम से कर सकते थे, लेकिन अचानक कुछ फैसला लेने से मेरे को टाइम नहीं मिला था, 2 से 3 दिन हमको टाइम मिला था, जो कि हाई जंप हम तो टाइगर मार देते थे,
चार फीट प्लस, लेकिन सीजर नहीं मार पाते थे और दो ही दिन मुझे टाइम मिला, उसमें हम उस चीज का तैयारी नहीं कर सके और मुझे पता चल गया अब हम इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी गए वहाँ, दौड़ हो गया, गोला फेंक हो गया, लेकिन हाई जंप में हमने जो सोचा था पहले, मेरे साथ वही हुआ कि हाई जंप में छट गए। हालांकि इन दोनों मेरे साथियों में से एक सफल हुए हैं, एक को असफलता हाथ लगी है, लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप इन दोनों का मार्कशीट देखेंगे तो इनका मार्क्स तकरीबन 168 के आसपास है और इनका मार्क्स तकरीबन 170-72 कितना 170.4 इनका मार्क्स है। तो आप देख सकते हैं 85% प्लस का मार्किंग है, तो ये एक अच्छा खासा मार्किंग है और आप इनके शब्दों से समझ पा रहे होंगे कि इनमें तनिक भी निराशा, तनिक भी हताशा नहीं है, ये पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। इनके इतने मार्क्स आने की रणनीति क्या है, क्या इन्होंने पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी, कितने घंटे पढ़ाई करी और पढ़ने का शेड्यूल क्या था, इन तमाम चीजों पर भी हम आप सबों से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको एपिसोड वाइज एपिसोड वीडियो देते रहेंगे। इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे इन्होंने सफलता को प्राप्त किया और कैसे इन्होंने असफलता को प्राप्त करते हुए भी सफलता को छीनने का हुनर और ऊर्जा अपने हृदय के अंदर संजोए रखा है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी एक नई ऊर्जा से प्रेरित हो सके और खुद की मंजिल को प्राप्त करने के लिए पागलपन का उनमें भी समावेश हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।